हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। सी लैंग्वेज में आज खास क्या आया ये दिखाता हूं। इस प्रोग्राम को जरा गौर से देखिए और मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि इस प्रोग्राम में क्या एरर है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में एरर तो है कुछ ना कुछ, लेकिन क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या एरर है? चलिए एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करवाते हैं। तो यहां से कंपाइल करवाया और यहां से रन करवा लिया, तो अभी तो ये प्रिंट हो गया हमारा, एंटर टू नंबर्स आ रहा है। तो यहाँ पे दो नंबर देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया। 7 और 6 दो नंबर एंटर भी कर दिए तो 42 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट इज लीक करके रह जा रहा है। तो अभी समझ में आई होगी बात कि कोई ना कोई एरर तो है, लेकिन क्या एरर है वो समझना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं कहता हूँ, इसमें बताइए क्या एरर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट इज, अच्छा यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या दिख रहा है, इंटीजर दिख रहा है। तो क्या इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे मेंशन करा गया है? तो प्रोडक्ट इज जब लिखेंगे यहाँ परसेंट डी, तब तो होगा ये। तो ये अब प्रोग्राम देखिए परसेंट डी के चलते खाली गलत हो गया था। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से वापिस यहाँ पे देखिए ये एस आ गया है, तो यस भी ये प्रिंट हो जा रहा है। तो यहाँ से अब वापिस से इसको क्या करते हैं, हम कंपाइल रन करवा लेते। तो ये कंपाइल किया, अब रन किया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब एकदम सही है प्रोग्राम। तो ये 6 है और ये 8 है, ये लीजिए 48 आ गया है। ठीक है, किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की गलती अगर आपसे होती हो तो आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि वहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर को मेंशन किया या नहीं। अब यहाँ पे देखिए 99 भी 8 का मल्टीप्लाई किया, 792 आ गया। क्लियर? ओके,